तो दोस्तों उमरान मलिक और टीम इंडिया दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा हो रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है और वो खबर है जसप्रीत बुमराह की इंजरी, जो कि उनके बैक में इंजरी है और वो नहीं खेल पाएंगे T20 वर्ल्ड कप, जिसके कारण अब टीम इंडिया में एक जगह खाली हुई है और उस जगह को भरने के लिए किस प्लेयर का नाम चुनाव में आएगा और कौन सा प्लेयर चुना जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों ने दिया है और साथ ही साथ हरभजन सिंह ने तो साफ साफ कह दिया है कि इंडियन सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, क्योंकि इंडियन सेलेक्टर्स ने उमरान मलिक को टीम में नहीं रखा है जो कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बाउंसी पिच होने वाली है, अगर वहां पे 150-155 का गेंदबाज होता टीम इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया हो सकता था टीम इंडिया के लिए, और वैसा गेंदबाज केवल एक ही दिखता है और वो है उमरान मलिक। तो इसी राय को हरभजन सिंह ने पूरे मीडिया के सामने बताया और साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारे दिग्गज क्रिकेटरों ने भी अपनी राय दी है, चाहे वो हो वीरेंद्र सहवाग, चाहे वो हो गौतम गंभीर और बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटरों ने जो कि अब संन्यास ले चुके हैं। तो अब इंडियन सेलेक्टर्स पे है कि उमरान मलिक को टीम में रखे या ना रखे, और आप पे भी, अगर आप उमरान मलिक को अपनी टीम में रखना चाहते हैं, टीम इंडिया से जोड़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में नीचे हैशटैग उमरान मलिक जरूर लिखें और साथ ही साथ उनसे जुड़ी अगर कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उनको कर ले टच और हमारे चैनल को कर लाइक और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टीम इंडिया और उमरान मलिक से जुड़ी कुछ अहम और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेकर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।